नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजधानी पहुंचे नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वागत। भूपेश सरकार से नाराज भाजपाइयों ने विधायक निवास घेरा, कहा गरीबों को आवास से किया गया वंचित। मुंगेली जिले के 25 युवाओं का अग्निवीर के लिए चयन, कलेक्टर ने सम्मान कर बढ़ाया उत्साह। और आंगनबाड़ी में हड़ताल को हुए 30 दिन, केंद्रों में गतिविधियां पड़ी मंद। ये थी सुर्खियां खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन बुधवार की सुबह राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमानतल परिसर स्थित नवीन स्टेट हैंगर में पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। बीते दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों के राज्यपालों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर भेजा गया। उनके स्थान पर आंध्र प्रदेश के बिस्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल मनोनीत किया गया। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को विदाई दी गई। उसके दूसरे दिन यानी बुधवार को नए राज्यपाल छत्तीसगढ़ पहुंच गए। रायपुर के मानव विमानतल में उनका स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मनोनीत राज्यपाल सीधे राजभवन पहुंचे, जहां राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी राजभवन में 23 फरवरी की सुबह 11:30 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगे। नए राज्यपाल का स्वागत करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चंद्रदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और राज्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी शामिल रहे। लोकसभा टीवी के लिए इरशाद अली की रिपोर्ट। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 2 में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 34 संत रविदास नगर करवला में अभियान के तहत ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला और सदस्यों ने पूर्व महापौर राजेश पांडे के मार्गदर्शन में भ्रमण किया। कांग्रेस सरकार के जन कल्याण कार्यक्रम और योजनाओं की जानकारी वार्ड के लोगों को दी गई। हनुमान मंदिर जूना बिलासपुर से प्रारंभ कर सदस्य शांति लॉज गली से घर घर होते करवला कोदू चौक पहुंचे। यहाँ स्थानीय व्यापारियों से चर्चा कर भूपेश सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। लोगों को बताया गया कि केंद्र की मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए योजनाओं पर कार्य कर रही है, उसकी नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा है। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में निकले हुए हैं और लोगों का अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री लोगों और जिस प्रकार से शहर में 2 बैराज हो गए, आत्मानंद स्कूल हो गए, धन्वंतरी योजना हो गई, जिससे सीधा जनता को फायदा मिल रहा है, उसका छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का इसका बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है। और जिस प्रकार से केंद्र में महंगाई बढ़ी हुई है, अभी जिस महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इससे घर चलाना मुश्किल हो गया, मध्यम परिवार की कमर टूट गई है। ये सब को लेकर हम वार्ड वार्ड में जा रहे हैं और जो परेशानी उनको हो रही है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को खून की कमी का सामना न करना पड़े, इस लिहाज से मुंगेली में ऋषि फाउंडेशन और सेवा भारती के तत्वाधान में सिंधी धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगे इस शिविर में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ शाम तक करीब 170 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। ऋषि फाउंडेशन के प्रमुख अनिल राजेश ने बताया कि मुंगेली शहर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदाताओं के इस पुनीत कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सभी को रक्तदान करना चाहिए, इससे जरूरतमंदों को काफी राहत मिलती है। भगवान एक ही चीज़ हमें सीख देते हैं कि आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आप किसी के काम आए, तो मेरा उद्देश्य यही था कि थैंक गॉड कि मुझे इस लाइन में रखा कि मैं किसी के लिए ब्लड डोनेट कर पा रही हूँ। मेरा ये आई थिंक सो 5th to 6th डोनेशन रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये फील्ड मुझे हर 3 महीने में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं हर 3 महीने में ब्लड देना चाहूँगी। हम नहीं चाहते कि समाज में ऐसा कोई केस दोबारा हो, इसलिए हमने इस आज ऋषि का एक 20वां बर्थडे है, इस उपलक्ष में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हम नहीं चाहते कि ये घटना किसी और के साथ भी हो, इसलिए समाज के साथ मिलके
आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और सफल आयोजन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को वंचित करने का आरोप लगाते हुए राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। आंदोलन के तहत बुधवार को भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के सरकारी बंगले का घेराव किया। भाजपा ने मोर आवास मोर अधिकार के लिए चरणबद्ध आंदोलन करते हुए बुधवार को विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में गरीब हितग्राहियों की उपेक्षा का कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए नेहरू चौक में नारेबाजी की। इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत सभी ने कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के सरकारी बंगले का घेराव कर दिया। भाजपा नेताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए अंशदान की राशि नहीं दिया, जिससे लाखों गरीबों का उनके पक्के मकान का सपना पूरा नहीं हुआ है। भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा, वर्ष 2011 और 16 की सर्वे सूची के मुताबिक राज्य में 19 लाख परिवार आवास से वंचित किए गए हैं, इसके लिए भूपेश सरकार दोषी है। 16 लाख लोगों को मकान मिलना था, जिसमें से 8 लाख मकानों का पैसा भी भूपेश सरकार को आ गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अंशदान नहीं दिया और वो राशि वापस चली गई। बार बार केंद्रीय मंत्रियों ने भूपेश बघेल को व्यक्तिगत पत्र भी लिखा था। बिलासपुर में कांग्रेस विधायक का घेराव करने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ के विधायक डर के मारे भाग गए, जबकि पहले से घोषित था कि 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधायक का घेराव करेंगे, लेकिन वो यहाँ से बहाना करके चले गए, निवास में नहीं है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों पर गरीबों का वोट लेकर उन्हें छलने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों को रोकने विधायक आवास के सामने और सभी मार्ग में पुलिस बल तैनात था। भाजपा नेताओं ने कहा, उन्होंने आने की सूचना पहले दी थी, इसके बावजूद कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे अपने बंगले से नदारद हैं। बाद में मांग पत्र उनके पीए को सौंपकर सभी लौट गए। जाते जाते भाजपा कार्यकर्ताओं को सूखा गला तर करने विधायक बंगले से पानी की बोतलें दी गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 22 फरवरी को स्काउट एंड गाइड ने विश्व चिंतन दिवस मनाकर लोगों को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। देवकीनंदन स्कूल में हुए कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने स्काउट गाइड के योगदान को सराहा और विद्यार्थियों को योग्यता सर्टिफिकेट प्रदान किया। स्काउट एंड गाइड ने वार्षिक चिंतन दिवस पर पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति का संदेश दिया। देवकीनंदन स्कूल में हुए कार्यक्रम में गाइड स्टूडेंट ने पेंटिंग और दूसरे माध्यम से प्रकृति और जनहित को अभिव्यक्त किया। स्काउट गाइड की राज्य आयुक्त डॉ. उषा किरण वाजपेयी, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला गाइड आयुक्त डीके कौशिक, राज्य संगठन आयुक्त सीएल चंद्राकर, भूपेंद्र शर्मा ने कहा, समाज के लिए गाइड की भूमिका सैनिक और सेवक दोनों की है। इसमें संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए सभी परिस्थितियों का सामना करने गाइड तत्पर रहता है। जिले के स्काउट गाइड को राज्यपाल पुरस्कार और जम्बूरी में भाग लेने पर सम्मानित किया, साथ ही प्रतियोगिता के विजेताओं को सर्टिफिकेट दिया गया। बच्चे को जो हमारे जो स्काउट गाइड के जो बच्चे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किए थे और जम्बूरी में गए थे, उन सभी को प्रमाण पत्र दिया गया है। और आज के अवसर पर निबंध, वाद विवाद, चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थी, उन सभी को विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। जिला स्काउट संगठन आयुक्त विजय यादव ने बताया, इस वर्ष थीम पर बच्चों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर पर्यावरण के प्रति गंभीरता का परिचय दिया है। विश्व चिंतन दिवस पर विविध कार्यक्रम हुए। हमारा जो थीम है इस वर्ष, हमारा जो चिंतन का विषय है, हमारा विश्व और हमारा पर्यावरण से संबंधित, बच्चों ने अपनी भावना को चित्र के माध्यम से, भाषण के माध्यम से हमारे विश्व और पर्यावरण और शांति के लिए जो उनके मन में एक भावना है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। तो विभिन्न विषम परिस्थितियां हैं उसके, उसमें हमारी स्काउट गाइड किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, तो इन सब चीज़ों पर भी हमको चिंतन करना है। इस दौरान सभी गाइड ने विशेष दिवस के महत्व और इसमें अपनी भूमिका के बारे में अच्छी तरह जाना। जिला स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों ने कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। शासकीय हाई स्कूल मैदान लोखंडी में बुधवार को मेसर्स भाटिया एनर्जी एंड कोल वेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में प्रस्तावित कोलवाशरी परियोजना के लिए लोक सुनवाई आयोजित की गई। यहां अतिरिक्त कलेक्टर, तखतपुर SDM और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने आसपास के ग्रामीणों की बातें सुनी। प्रस्तावित कोलवाशरी परियोजना का आसपास के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान अलग अलग गाँव से आए हुए लोगों ने होने वाली समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताया। ग्रामीणों का कहना है कि कोल वाशरी के चलते दुर्घटना, डस्ट, फसल सब्जी को नुकसान हो रहा है, लिहाजा सभी ने एक स्वर में कोल वाशरी के विस्तार पर रोक लगाने की मांग की है। कोयला डिपो बंद करवाना चाहिए, महिला मन बैठे प्रदूषण फैला थोड़ा बंद करवाना चाहिए, मन के लड़का मन अच्छा पढ़ नहीं पाते, और जो खाना उना हम पका था खिला था उनमें भी धूल मिट्टी बहुत पड़ा जाए। धन्यवाद सरकार में लो, बहुत बहुत अभिनंदन है, पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेगा। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में मुंगेली जिले के 25 युवाओं का चयन हुआ है। कलेक्टर राहुल देव ने कलेक्ट्रेट के मनियारी सभाकक्ष में चयनित युवाओं को गुलाल लगाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा युवाओं को सैन्य बल में भर्ती करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण दिए गए युवाओं में से 25 अभ्यर्थियों का अग्निवीर की सेवा के लिए चयन हो गया है। कलेक्टर ने सभी चयनित युवाओं को कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया। युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए उनसे मन लगाकर देश की सेवा करने और जिले का नाम रोशन करने की अपेक्षा की है। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अग्निवीर कितने साल के लिए? 3 साल के लिए? 4 साल बहुत जल्दी बीत जाता है। तो अपने आप को काबिल बनाना, इस स्तर पे अपने आप को उठाना कि आगे जब लौट के आओ 4 साल बाद तो समाज के लिए और क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सके। उम्मीद करेंगे कि जहां भी आप लोग रहे हैं देश की सेवा करें और हमारे क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि अनुशासन में रहकर आप लोगों ने मेहनत की है, उसके फल स्वरूप ही चयन हुआ है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अनुशासन में रहकर कड़ी मेहनत करने की जीत है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीरथ राज अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी DS राजपूत सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। सिम्स में एक्सरे जांच कराने आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां जब से डिजिटल एक्सरे आया है, अन्य 3 एक्सरे कक्ष को बंद कर दिया गया है। एक मशीन से जांच होने के कारण मरीजों को 1 घंटे तक लाइन लगाना पड़ रहा है। रेडियोलॉजी विभाग में 4 एक्सरे कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ 1 डिजिटल और 3 नॉर्मल एक्सरे मशीन है। एक मशीन होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार भीड़ बढ़ने की दशा में 1 से 2 घंटे तक जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। CMHO के निर्देश पर जिले में सक्रिय लगभग 500 से ज्यादा झोला छाप की सूची तैयार कर ली गई है। अब इनके द्वारा संचालित हो रहे अवैध क्लिनिक सील करने की कार्रवाई की जाएगी। 2 साल पहले हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में 541 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अवैध क्लिनिक को सील किया था। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा पर FIR भी कराई गई थी। उस समय तो झोला छाप पर लगाम लग गया था, लेकिन धीरे धीरे ये झोला छाप फिर से सक्रिय हो गए हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजधानी पहुंचे नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वागत। भूपेश सरकार से नाराज भाजपाइयों ने विधायक निवास घेरा, कहा गरीबों को आवास से किया गया वंचित। मुंगेली जिले के 25 युवाओं का अग्निवीर के लिए चयन, कलेक्टर ने सम्मान कर बढ़ाया उत्साह। और आंगनबाड़ी में हड़ताल को हुए 30 दिन, केंद्रों में गतिविधियां पड़ी मंद। हड़ताल के चलते जिले के 1,500 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण का बुरा हाल है। विभाग इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का दावा जरूर कर रहा है। इधर बुधवार को हड़ताल को 1 महीने पूरे हो गए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के हड़ताल को 30 दिन पूरे हुए। 6 सूत्रीय मांग के समर्थन में जिला संघ की कार्यकर्ता सहायिका सदस्य कुन्हेर गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं। तालाबंदी से केंद्रों में पोषण आहार वितरण चौपट होने की जानकारी दे रहे सदस्यों ने कहा, माह में 2 बार बच्चों और माताओं को गर्म भोजन देने का प्रावधान है। उनके हड़ताल पर चले जाने से वैकल्पिक व्यवस्था धरी की धरी रह गई है। डेना में बड्डा हमको जानकारी हुआ है, उसके बाद फिर शाम को हमको पता चला कि रेडीटूड सुपरवाइजर मैडम के द्वारा बंटवाया गया है। मतलब जो समूह संचालित करती है रेडीटूड को, जो केंद्र में आता है, वो ही लोग लेकर आए थे और बंटवाए हैं। जिसमें हितग्राही सही है कि नहीं है ये भी जानकारी नहीं है। उसमें केंद्र खुले थे तो रेडीटूड का, बच्चों का टीकाकरण, पोषण आहार की और पूरी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब से हमारा हड़ताल हो रहा है, चूँकि अभी बंद है केंद्र, तो अभी वो तो पूरी तरीके से बंद है और रेडीटूड का वितरण शायद हो रहा है, मैं ऐसा सुनी हूँ। पर मेरे उसके हिसाब से ना सही सही हितग्राहियों को नहीं मिल रहा और कैसे क्या कर रहे वो मुझे नहीं मालूम। पूरा हो रहा है सर, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम बांट रहे, लेकिन ये सब चीज़ तो हमको मालूम है, कार्यकर्ता वहाँ की जो है उसको मालूम रहता है कि कहाँ क्या देना है। क्या पता सर, फेंक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम क्या जानेंगे बताइए। नर्सरी शिक्षक का दर्जा, कलेक्टर दर पर मानदेय समेत 6 मांगे पूरा कराने और वादा निभाने सरकार से कहा जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का दावा है कि विभिन्न संगठनों का उनको समर्थन प्राप्त है। उधर महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है, हड़ताल से मुक्त 25 केंद्रों के अलावा जिले के बंद केंद्रों में भी पोषण आहार बांटने पंचायत और मितानिन की मदद ली जा रही है। आगे शासन के आदेश पर अमल किया जाएगा। निचले स्तर के, फील्ड स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, उनकी मदद से पर्यवेक्षकों के माध्यम से पूरा पोषण आहार वितरण का कार्य संपादित किया जा रहा है। जहां किन्हीं कारणवश गर्म भोजन वितरण नहीं करा जा सक रहा है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रेडी ट्वीट का वितरण प्रारंभ कर दिया जाए, तो वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 माह से जारी हड़ताल के कारण 1900 आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और महिला बाल विकास ने सुपोषण योजना व दूसरी गतिविधियां जिन हाथों में दी है उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे में अकेले सुपरवाइजर कैसे मॉनिटरिंग करे, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मोटी रकम कमाने की चाह में राजीव प्लाजा मोबाइल दुकान संचालकों ने एप्पल और सैमसंग कंपनी के नकली सामान बेचने लगे। इसकी सूचना कंपनी को मिली, जिस पर तारवाहर पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने राजीव प्लाजा में राधा कृष्ण मोबाइल दुकान में कार्रवाई की। यहां से सैमसंग और एप्पल के मोबाइल कवर बरामद किए गए। छापे के दौरान यहां के व्यवसायियों ने विवाद और हंगामा करने की कोशिश की, मगर उनकी एक न चली। तारवाहर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव प्लाजा में आईफोन और सैमसंग कंपनी के नकली एसेसरीज मिलने की सूचना पर पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों के साथ जाकर 2 मोबाइल दुकानों में दबिश दी। यहां से पुलिस ने कॉपी ट्रेड कंपनी के अधिकारी की मौजूदगी में भारी मात्रा में आईफोन और सैमसंग के नकली मोबाइल कवर जब्त किए। पुलिस ने राधा कृष्णा मोबाइल के संचालक अजय माखीजा और वीके मोबाइल के संचालक सूरज बक्तानी को मौके में तलब कर उनके खिलाफ प्रकरण तैयार किया। कॉपी ट्रेड कंपनी और पुलिस का शिकंजा कसता देख व्यापारियों ने अपनी दुकानों में ताले लगा दिए और माहौल बनाने लगे। पूर्व में भी राजीव प्लाजा के कई मोबाइल व्यापारी कॉपीराइट एक्ट के मामले में पकड़े गए हैं। शुरू से ही राजीव प्लाजा के कई मोबाइल दुकानों में ब्रांडेड कंपनी के नकली कवर बेचे जाते रहे हैं। अभी अवैध नशा के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें सब जगह कार्रवाई की जा रही है। व्यापार विहार में भी दुकान ठेला में कार्रवाई की, छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां पे अवैध सिगरेट बरामद हुई है। और राजीव प्लाजा में भी कुछ सूचना थी, जिस पर अभी जाँच कार्रवाई की जा रही है। क्या सूचना थी, क्या मिला है? वो जांच की जा रही है, जांच कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया है। अभी जांच कर ही जा रही है, जांच कंप्लीट होने के बाद आगे बताया जाएगा। मोबाइल कंपनी के अधिकारियों की माने तो आईफोन और सैमसंग के मोबाइल का कवर 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक मिलता है, मगर बाजार में व्यापारियों को इसका नकली कवर 100 रुपये मिल जाता है, जिसे 400 रुपये तक बेचते हैं। मंगलवार को हुई इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर खलल डालने की खूब कोशिश की, मगर उनकी एक नहीं चलने पाई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। फरवरी महीना का आखिरी सप्ताह चल रहा है, अब भी सुबह और रात गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है।
जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है लोगों को गर्मी का एहसास होने लगता है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सूर्य की तेज किरणें लोगों को गर्मी का एहसास दिलाती हैं। भले ही अभी ये धूप बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रही है, मगर धीरे धीरे तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है मार्च महीने से लोगों को सूर्य की किरणें अधिक चुभने लगेंगी। हालांकि दूसरे प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बामड़ा स्टेशन में सुबह 6 बजे से ग्रामीणों ने रेल चक्का जाम कर दिया। रेल रोको आंदोलन की वजह से हावड़ा मुंबई रूट पर चलने वाली तमाम ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। इसका असर बिलासपुर रेल मार्ग में देखा गया। ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित बामड़ा रेलवे स्टेशन में रेल क्रियान्वयन कमेटी का रेल रोको आंदोलन चल रहा है। इसकी वजह से मुंबई हावड़ा रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हैं। अलग अलग स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से कई ट्रेनें फंस गई हैं। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर स्थित ओडिशा के बामड़ा स्टेशन पर ग्रामीणों ने यात्री सुविधा की मांग पर रेल चक्का जाम कर दिया। इसके चलते कई ट्रेनें अलग अलग जगह पर खड़ी हो गई हैं। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। यहाँ आने वाली कुछ ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। वहीं साउथ बिहार एक्सप्रेस 4.5 घंटा, अहमदाबाद एक्सप्रेस 5.5 घंटा, उत्कल एक्सप्रेस 5 घंटा लेट के अलावा कई अन्य ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया, जिसके चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी यहाँ पे हम लोग 9 बजे से आए हुए हैं। साउथ बिहार एक्सप्रेस है और अनाउंसमेंट में उतना रेगुलरिटी नहीं है, बहुत डिले इन्फॉर्मेशन आ रहा है और क्लियर भी नहीं है। मान लीजिए कि 5 घंटे ऑलरेडी ट्रेन लेट हो चुकी है और 1-2 घंटे के बाद अगर कैंसिल कर देंगे यात्रियों को बहुत परेशानी होगी। रेलवे को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पहले से इन्फॉर्म किया जाए। जैसे कि बता रहे हैं कहीं स्ट्राइक है तो प्रशासन को तो ज़रूर जानकारी रहा होगा, तो उन्हें चाहिए था कि किसी माध्यम से जनता को सूचित किया जाता कि वो लोग अपने निर्धारित समय के अनुसार पहुंचते, लेट है तो उसी के हिसाब से। छोटे बच्चे हैं, गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है तो काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे। इस मार्ग की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री पूछताछ काउंटर और स्टेशन मास्टर के पास जाकर स्थिति पूछते रहे, लेकिन उन्हें यहाँ से कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गुजराती महिला और युवा मंडल समेत दूसरे मंडलों के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीनाथ जी चरित्रामृत कथा का आयोजन किया जाने वाला है। आयोजन को लेकर समाज के लोगों ने पत्रकारों से चर्चा कर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को कथा वाचन के लिए गुजरात से पंडित गिरिराज शास्त्री का आगमन हो रहा है। 24 फरवरी से शोभा यात्रा के साथ कथा की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद लगातार 3 मार्च तक पंडित गिरिराज शास्त्री अपने मुखारबिंद से शहरवासियों को कथा अमृत रसपान कराएंगे। बिलासपुर में पहली बार श्रीनाथ जी की अमृत कथा का आयोजन कर रहा है। पंडित गिरिराज शास्त्री आ रहे हैं बड़ोदरा से, महाज्ञानी प्रकांड पंडित और शास्त्रों के ज्ञाता। तो पूरा बिलासपुर इस समय कृष्ण की भक्ति रस से सराबोर रहेगा और हम चाहते हैं कि शहर के हर एक नागरिक हमारे गुजराती समाज के प्रांगण में आएँ और श्रीनाथ जी जो भगवान विष्णु का रूप हैं और एक भगवान कृष्ण की भक्ति यहाँ पर होने वाली है और नाथ द्वारा का ही एक नया स्वरूप यहाँ पर देखने मिलेगा, तो भक्ति रस का रसपान करेंगे। सभी यहाँ पर आनंद आमंत्रित हैं, सभी मिलकर आनंद करेंगे। बिलासपुर में प्रथम बार होने वाली इस श्रीनाथ जी चरित्र कथा का हम रसपान करेंगे और इनके कई लीलाओं के बारे में जो हम नहीं जानते गिरिराज शास्त्री जी के श्रीमुख से सुनेंगे। नगर निगम का अतिक्रमण अमला एक तरफ बड़े रसूखदारों के कब्जे को हटाने में नाकामयाब साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फुटपाथ पर किनारे दुकान लगाने वाले गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। पूर्व में कलेक्टर कार्यालय से लेकर कचहरी चौक तक सड़क किनारे फल सब्जी और दूसरे सामग्रियों के छोटे छोटे दुकान लगाने वालों को खदेड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें शेफर स्कूल पर सड़क किनारे अपना व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब यहाँ से भी निगम कर्मियों के गुर्गे इन गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। बुधवार को निगम के अतिक्रमण अमला यहां ठेला गुमटी वालों के साथ ही सड़क पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों के सामानों की जब्ती कार्रवाई की, साथ ही उनके सामानों को सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी खासे आक्रोशित नजर आए। उन्होंने बताया कि निगम कर्मियों द्वारा उनका गल्ला तक छीन कर ले जाया गया, वहीं उनके सामानों को बिखेर दिया गया। अब वे उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पूरा मोर सामान ला पूरा जब्ती कर ले भैया,
पूरा मोरे सामान बस ल उठाते, बाकी सामान ल नहीं उठावते। और वहाँ कचहरी के पास लगा रहा था तो वहाँ भी नहीं लगाने दिया, तो सफर स्कूल के तीर में लगा रहा हूँ मैं दुकान। उसका बाद सब सामान मेरा बार बार उठा रहे हैं और मेरा 10,000 रुपया भी ले गया, मेरा सब सामान जब्ती बना के ले गया और सब सामान को बीच दिया है। नगर निगम वाले बोल रहे हैं मैं बार बार तुम्हारा सामान उठा के ले लूँगा और मत लगाओ, यहाँ दुकान लगाने नहीं दूंगा बोल रहा। हम गरीब आदमी भैया वहाँ कर चेहरी के पास लगा रहा था, वहाँ से भगा दिया तो सेफर स्कूल में लगा रहा है। हाँ, 30 साल से दुकान कर रहे हैं हम लोग उधर। ओकर बाद में अब यहाँ से आए हैं तो यहाँ ला यू मेला भगवावा थे। हाँ, बार बार जब्ती बनावा थे, बार बार गाड़ी देवा थे, बार बार सामान भी छड़ जबा थे, सब ला लेक जबा थे। अब हमार गरीब आदमी और 5,000-6,000 जुर्माना दे बोला थे, हम कहाँ से दे सकबो। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।